में होने वाली हैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी साड़ियाँ, जो सारी ही मैंने विद इन 300 रुपीज परचेज की है आज का। हे माई ब्यूटीज, आप सब कैसे हैं? अपना ख्याल रख रहे हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और आज देखिए मैं कितनी अच्छे से तैयार होकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो में लेकर के आई, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सस्ते वाली साड़ियाँ फ्रॉम मीशो, सो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मुझे मिली हैं। जो लुक है कैसा लग रहा है आपको मुझे जरूर बताना। ये ब्लाउज भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था, और जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है ना, आज मैं इसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये भी मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बाय की। अब हम बिना टाइम गवाए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है ये ब्लैक कलर की साड़ी। इसका जो बेस है वो ब्लैक कलर का है, और इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर यहाँ मेंशन कर दूंगी आप कितने की मिली है। तो ये है अपनी फर्स्ट साड़ी, कुछ इस तरह से इसमें आपको यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है आउल की आईज बनी हुई है। ये वाला प्रिंट आपको मिलेगा, बहुत ही मॉडर्न सा स्टाइलिश सा लुक आ रहा है। सो ये साड़ी में आपको यहाँ पर इसका पल्लू जो है पल्लू से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये वाला प्रिंट ऑल ओवर मिलने वाला है पूरी साड़ी में, और इसका जो फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट वाला शिफॉन है, और ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हैं ये कितनी जा रही है। सो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुक देने वाली है आपको साड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो इसको आप जरूर ट्राई करना। और ये देखो इसका ब्लाउज एकदम ट्रांसपेरेंट फैब्रिक में, क्वालिटी जो है इसका सेम फैब्रिक जा रहा है, तो इसका ब्लाउज सिलवाया जा सकता है, फैब्रिक जो है काफी अच्छा वाला है। ये पहली साड़ी है और मेरे को तो बहुत सुंदर, फर्स्ट साड़ी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पीस। तो ये है जी सेकंड पीस। सेकंड पीस जो है ना, ये एक वाइट कलर की साड़ी है। इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा सेल्फ में शाइन लिए हुए है, बहुत ही सुंदर लग रही है। देखो ये शाइन है इसमें सेल्फ में, और ना इसमें आपको इस तरह से स्ट्राइप्स जैसी बनी मिल रही है। सिल्क वाला लुक है इसका, सेमी सिल्क ही बोला हुआ है। एम्ब्रॉयडरी मिल रही है पूरे इसके बॉर्डर पे आने वाली है, जो काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा वर्क है, थ्रेड वर्क। इसमें कलर्स सिर्फ ये एम्ब्रॉयडरी का चेंज होगा, कलर्स ऑप्शन और भी हैं, ग्रीन, येलो, मैरून, आई थिंक बहुत सारे कलर्स हैं, तो बस एम्ब्रॉयडरी का कलर चेंज होगा, बाकी ये बेस जो है आपका वाइट ही रहने वाला है। छोटी छोटी बूटियाँ आएंगी और साड़ी जो है ऑल ओवर आपको इसी तरह से डिजाइन में मिलने वाली है। ये इसका अंदर की साइड आएगा, स्कर्ट एरिया पर जो आएगा आपका, तो ये बिल्कुल प्लेन दिया है इन्होंने। इसमें ऊपर नीचे जो सेल्फ में बुना हुआ बॉर्डर है ये वाला बॉर्डर है, उसके बाद में आपकी ये एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो जाती है, जो इस तरह से छोटी छोटी बूटियाँ आएंगी पूरी साड़ी पर, और ये वाला बॉर्डर आपको इस साड़ी पर सबसे नीचे मिलेगा। बहुत सुंदर है यार, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में 272 रुपीज़ की मिली है। और इसका जो है ना फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, मतलब आप पहन सकते हैं यार, लाइक दुर्गा पूजा में इस तरह का आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, आप साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये है इस साड़ी का ब्लाउज पीस, यार ये इतना अच्छा दिया है इन्होंने, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्रॉकेट में आपको मिलेगा इस तरह से डिज़ाइन, से सेल्फ में बना हुआ है, प्रिंट नहीं है, तो ये कहीं भी रिमूव नहीं होने वाला है इसका। तो आप ब्लाउज स्पेयर में बना के रख सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा इन्होंने ब्लाउज पीस दिया है, देखिए इसका बाहर की साइड से इसका डिज़ाइन पूरा ऐसा मिलने वाला है आपको, ठीक है। और ये आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से इसमें गोल्डन कलर का पूरा धागे से, बहुत सुंदर है यार साड़ी। मतलब 272 रुपीज़ में ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी साड़ी उन्होंने दी है। वेरी गुड डील, आप इसे जरूर ट्राई करना। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पीस की। नेक्स्ट पीस जो है ना वो भी एक रेड कलर की ही साड़ी है, मैंने सारी साड़ियाँ इधर खोल के डाली हुई है पता है आपको। तो ये है अपनी नेक्स्ट साड़ी रेड कलर की। इसका जो फैब्रिक है सिल्क जैसा लिखा हुआ था, सेमी सिल्क, तो इसमें शाइन तो काफ़ी है, बट बहुत ज़्यादा हैवी वाला फैब्रिक नहीं है, आप आराम से इसकी प्लीट्स बना सकते हैं। ये वाला बॉर्डर आपको इसमें चारों तरफ मिलने वाला है पूरी साड़ी पर, गोल्डन कलर का, और ये गोटा पट्टी भी लगी हुई है यहाँ पर, जिगजैग वाली समोसा लेस जो बोलते हैं, और इसमें ऑल ओवर प्लेन साड़ी जाएगी आपकी, दोनों तरफ आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा ऊपर नीचे। और इसमें इसका ब्लाउज पीस जो दिया है वो सेम बॉर्डर जैसा दिया हुआ है, सो ये वाला ब्लाउज पीस आप अगर सिलवाना चाहें तो इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, आप आराम से इसमें ब्लाउज बनवा सकते हैं। ये इन्होंने डबल फोल्ड करके लगाया हुआ है इसमें। सो भाई ये साड़ी भी ना, मतलब इसका ब्लाउज पीस तो बहुत अच्छा है, तो इट्स अ गुड डील, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी कलर्स बहुत सारे हैं, बट अभी अपकमिंग करवा चौथ या फिर फेस्टिवल्स पर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं रेड में, तो ये भाई इसका ब्लाउज बनने के बाद में बहुत सुंदर लगेगा, आप इसको जरूर ट्राई। Thank you.
ठीक है, अगर आप सस्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो सस्ते में इसको बाय कर सकते हैं। सारी साड़ियाँ मेरी तो सस्ती वाली हैं आज की वीडियो में। महंगी वाली अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस रेंज तक की साड़ी देखनी है, या फिर आप कोई भी लिंक शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर या फिर यहाँ पर भी, तो मैं आपकी चॉइस की साड़ियाँ लेकर के आऊँगी। सो ये भी बहुत अच्छी लग रही है पहनने के बाद में, इसका लुक बहुत प्यारा रहा है। और सस्ती साड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कभी कभी साड़ियाँ पहनते हैं वो जरूर ट्राई कर सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट पीस, इसका फैब्रिक जो है शिफॉन है, बहुत ही सॉफ्ट सा। भाई देखो वीडियो जो इसका फोटो देखा था ना उसमें तो बहुत प्यारी लगी थी, बट एक्चुअल में इतनी प्यारी, यहाँ पर भी बहुत सुंदर लग रही है। देखिए यहाँ पर ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें और भी सारे कलर्स थे, बेस यही रहेगा वाइट, ऑफ वाइट इसका, ठीक है। सो साड़ी ना रियल में इतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी ये अभी भी फोटो वीडियो में बहुत अच्छी लग रही है। जो मैंने इसका ऑनलाइन फोटो देखा था, फोटो में भी बहुत अच्छी लग रही थी, सो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। सो ये इसका ऊपर की साइड से पार्ट रहेगा, इसमें पूरे में इस तरह से बूटियाँ मिलेंगी, ठीक है। और ऑल ओवर प्रिंट है इसका, इसमें पल्लू में भी सेम ही प्रिंट जाने वाला है, यहाँ पर इस तरह से ये प्रिंट रहेगा पल्लू में। और ये इसमें बॉर्डर जो है इसका नीचे की साइड जाएगा, ये आपके पैरों की तरफ आएगा बॉर्डर। और इसमें आपको ब्लाउज पीस जो दिया हुआ है वो रेड और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में दे दिया है, देखिए ये वाला इसका ब्लाउज पीस है। तो शायद ये ब्लाउज पीस सिलवाने के बाद में थोड़ा अच्छा सा लुक आए और साड़ी बहुत अच्छी लुक दे। सो फैब्रिक तो बहुत अच्छा है, आप इसको ईजिली पहन सकते हैं। अगर आप कहीं टीचर वगैरह हैं तो इस तरह की साड़ी अगर आप पहनते हैं, तो इसका ना ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, इसी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था। बट ये रियल में ओके ओके टाइप लग रही है, वैसे फ़ोटो में अच्छी लग रही है और अभी वीडियो में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। बट रियल में हाथ में ले रखा है उसको, मैं ट्रायल में पहन के देख रही थी ना, तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। फैब्रिक तो बहुत अच्छा है, आप अपने घर में किसी के लिए अगर सर्च कर रहे हैं इस तरह की हल्की फुल्की साड़ी, तो भाई क्वालिटी तो अच्छी है, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो मुझे अच्छी लगी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बट कलर रियल में थोड़े फेड लगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट जो साड़ी है ना वो थोड़ी सी सिल्क ब्लेंड लिखते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा हल्के वाला है, नेट टाइप का देखो इस तरह से ना, और ट्रांसपेरेंट तो है, आई डोंट नो इसको तो बांधने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो ये है पल्लू जो आई गेस इसका कंधे पर जाएगा इस तरह से, इतना चौड़ा वाला बॉर्डर इसका कंधे पर जाएगा। इसका ना ये कलर रमा ग्रीन बहुत सुंदर है, बट साड़ी ओके ओके टाइप है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप इसको पहनना, क्योंकि ना थोड़ी सी प्लास्टिक वाली फीलिंग आ रही है, सिंथेटिक कुछ ज़्यादा हो गया है इसमें। ये इस तरह से जाएगा आपका, और पूरी साड़ी आप देख लो कैसी है। ट्राई ऑन में मैंने कोशिश तो की अच्छे से पहन पाऊँ इसको, लेकिन बंद ही नहीं वैसे कुछ खास ना, क्योंकि मैं कभी कभी बांधने साड़ी पहनने वालों में से हूँ, तो उनसे तो बिल्कुल भी नहीं बंधेगी। सो ये भी मुझे पसंद नहीं आई, काफ़ी चीप प्राइस पर थी, पर प्राइस कुछ भी हो चाहे, पर पहनने लायक चीज़ तो हो, ये पहनने लायक नहीं लगा मुझे, इट्स अब नो आप इसको बिल्कुल मत ट्राई करना। अब इस वीडियो का ना लास्ट जो साड़ी है उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये भी मुझे आई थिंक 200 कुछ रुपीस की मिली है, 285 रुपीस की ये साड़ी। इसका जो फैब्रिक है वो लाइक्रा लिखा हुआ था, ये इस पर इस तरह से बॉर्डर आएगा, बट ये ओके ओके बहुत ही चीप क्वालिटी का है। इसका जो ब्लाउज पीस दिया ना वो भी ब्लैक कलर का दिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही सस्ते वाला सा। ये साड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसका तो मैं ट्राई ऑन भी बस कर रही हूँ मजबूरी में, क्योंकि मैंने लाई है तो मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं, देखो ब्लाउज पीस कितना मरा हुआ सा दिया है, पसंद नहीं आया मुझे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की लास्ट पीस की, वो है ये नेकलेस जो 152 रुपीज़ में मैंने बाय किया है, और इसके इयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे से क्यूट से, मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ साइड में। और इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क वाला रेड है, रेडनेस लिए हुए गोल्डन जो है, सो ओके ओके लग रहा है मुझे, बट देखने के बाद में आप देख रहे हैं इस तरह की साड़ीज़ के साथ में ऐसी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसके साथ इसको पेयर कर लिया। और ये 152 रुपीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक लग रहा है, डिज़ाइन बहुत छोटा सा पतला सा, आप गर्ल हो कोई अनमेरिड वो भी पहन सकती है।
रहती है। इयररिंग्स भी बहुत बड़े नहीं हैं और नीचे से मोती मिल रहे हैं आपको, तो इसका लुक तो बहुत सुंदर सा रहा है। आप देख सकते हैं गोल्ड वाला ही लुक आ रहा है, बिल्कुल रियल गोल्ड जैसी ज्वेलरी लग रही है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सभी ड्रेस, इन सभी साड़ीज का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है मेरा, मैं भी बहुत ही ज़्यादा यू नो होपलेस फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस तो ला रही हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे सामान लेकर के आ रही हूँ, और सारी सारी चीज़ें मेरे घर पे रखी रह जाती हैं। आप समझे मेरा बजट भी आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कम से कम 5 से 6 लोगों को उसको भेज दीजिए जो इंटरेस्टेड हों देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए ना इस चैनल पर बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊँगी जिससे मेरे को लगेगा हाँ बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है इस चीज़ पर, वो मैं जल्दी लेकर के आऊँगी। सो गाइस कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन। बाय 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 बाय।